नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। राजस्थान में इन दिनों काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में जो कलह मची हुई है वह कलह जग जाहिर हो चुकी है। राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच इस वक्त मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। इंतजार है विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ हाईकमान सोनिया गांधी के फैसले का कि आखिरकार सचिन पायलट को राजस्थान के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा या फिर नहीं, या फिर यहां पर अशोक गहलोत के समर्थन में फैसला सुनने को मिलेगा। खैर, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रही है आगामी गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर। सियासत तेज है और दोनों ही चुनावों के चलते इस वक्त राजस्थान की सियासत थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि अशोक गहलोत के साथ साथ सचिन पायलट को गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर अब सचिन पायलट गुजरात दौरे पर नजर आएंगे। 31 अक्टूबर को वह गुजरात पहुंचेंगे और 4 जनसभाओं को वह संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर चर्चा का विषय वह बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के चलते भी। दरअसल बीते कई महीनों पहले ही सचिन पायलट और भूपेश बघेल को वहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है और ऐसे में अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो लगातार हिमाचल प्रदेश के दौरे में बिजी हैं और ऐसे में वह हुंकार भरती हुई दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रही हैं और अब 31 अक्टूबर को वह हिमाचल प्रदेश पहुंचने वाली हैं, ऐसे में यहां पर सचिन पायलट को जो जिम्मेदारी दे दी गई है उस पर यहां पर एक कड़ा रुख उनका देखने को भी मिल सकता है। आपको बता 31 अक्टूबर को मंडी में कांग्रेस की रैली में प्रियंका गांधी शिमला से जाएंगी और इसके बाद हिमाचल में प्रियंका गांधी रैलियां और रोड शो भी करेंगी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी शिमला से हिमाचल में चुनाव का प्रचार करती हुई दिखाई देंगी। प्रियंका गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ तक हवाई जहाज में आई और जबकि चंडीगढ़ से वाया वह सड़क मार्ग के द्वारा शिमला के लिए रवाना हुई। लेकिन इस बीच यहां पर अगर बात की जाए चुनावी रणनीतियों के बारे में, हिमाचल में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। देश में चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है और अहम भूमिका प्रियंका गांधी वाड्रा निभाने वाली हैं, तो ऐसे में वह चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले चुकी हैं। शिमला से वह फीडबैक लेने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा अब शिमला के छराबड़ा स्थित अपने आवास से प्रदेश की सियासत का पूरा फीडबैक लेंगी और हालांकि ये दौरान निजी होगा और वह इस दौरान किसी से नहीं मिलेंगी, लेकिन वह पर्यवेक्षकों से पूरा फीडबैक लेने वाली हैं। 31 अक्टूबर को मंडी में रैली प्रस्तावित की गई है और वह पर्यवेक्षकों से अब यहां पर फीडबैक लेती हुई दिखाई देंगी। जी हां, पर्यवेक्षक के तौर पर सचिन पायलट को यहां पर नियुक्त किया गया है और दूसरी ही तरफ भारत जोड़ो यात्रा उनके नेतृत्व में चल रही है। राहुल गांधी के साथ वह भारत जोड़ो यात्रा में भी व्यस्त नजर आ रहे हैं। तो सचिन पायलट के झोले में इस वक्त कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, गुजरात की विधानसभा चुनाव, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा उन जिम्मेदारियों को देखते हुए सचिन पायलट के काम पर पूरा पूरा ध्यान देने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट यहां पर क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने प्रभारी के तौर पर जो कुछ किया था उन्होंने वाकई में प्रियंका गांधी को काफी ज्यादा प्रभावित किया था और प्रियंका गांधी वाड्रा खुलकर उनकी तारीफ करती हुई दिखाई दी थी। हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।